भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के उपलक्ष्य में रविवार को आयोजित भारत जोड़ो कार्यक्रम के दौरान नफरती नारे के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में आ चुकी है। कुल 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। इन लोगों के नाम विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांतिप्रीत सिंह और अश्विनी उपाध्याय हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता को डिटेन नहीं किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों के मुताबिक भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी और भगवा कपड़े पहने वीडियो में नारे लगा रहे उत्तम मलिक की तलाश की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिंकी चौधरी ने ही ज्यादातर लोगों को बुलाया था। जंतर मंतर पर जो 5 कानून मांगने के लिए हम लोगों ने जो आंदोलन किया था उसमें बहुत भारी भीड़ उमड़ी थी। हम लोगों के बुलाने से वहाँ सभी नौजवान आए थे। जितने भी लोग आए थे वो हम लोगों के माध्यम से आए थे। और अगर किसी बच्चे ने कोई गलत किया है तो वो सरकार को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी भीड़ में कहीं से भी कोई भी आ जाता है, कोई भी कह देता है। अगर उस बच्चे ने कोई बात ऐसी कही भी है, देखो हमारे बुलाने से पूरे देश के कोने कोने से लोग वहाँ आए थे। और हिंदू रक्षा दल जिम्मेदारी लेता है, जो भी लोग वहाँ थे वो हमारे थे, बात खत्म हो गई है। उसने अगर कोई गलत बात कही है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारे युवा, उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे सभी वहां, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं सभी। और अब आपको बता देते हैं कि पूरा मामला दरअसल क्या है। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर ये नारे लगे थे। भारत जोड़ो आंदोलन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर भारत जोड़ो कार्यक्रम, जिसे लेकर अब नया विवाद। कार्यक्रम में औपनिवेशिक कानून खत्म करने की मांग की गई। कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने ये भड़काऊ नारे लगाए, जिसे लेकर अब ये पूरा विवाद है। वहां बहुत सारे लोग गए थे, हम भी गए थे। कार्यक्रम वहां 1 घंटे चला। 1 घंटे के बाद जैसे वहां भीड़ आने लगी, पुलिस ने कहा कि क्राउड आ रही है, आप कार्यक्रम खत्म कर दीजिए। हम सब लोग मंच छोड़ के चले गए। पुलिस ने एक बार बोला हमने मंच खाली कर दिया। अब उसके बाद वहां पे उसके बाद वहां कोई आता है, कोई कुछ बयान देता है, कोई वीडियो जारी करता है। इसलिए मैंने सबसे पहले ही बोला था कि आप तत्काल वीडियो की सत्यता जाँच कर लीजिए। अगर ये वीडियो सही है तो जो लोग उसमें हैं हम पहचान नहीं पा रहे हैं, आप इनको पकड़िए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर ये वीडियो फेक है तो जिन्होंने फेक वीडियो बनाया हमें बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। दिल्ली देश की राजधानी बद से बदतर हो गई है। यहां पर वकीलों पे हमला होता है, यहां पर इतना बड़ा दंगा हुआ, देश की राजधानी में निर्भया कांड 2 हुआ, जहां एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको जला दिया गया, और अब ये घटना भारतीय जनता पार्टी के लोग अंजाम दे रहे हैं। आप देश की राजधानी का माहौल खराब कर रहे हैं। पूरे दुनिया में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभलती।